वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का व्लॉग मैं मॉर्निंग में स्टार्ट कर चुकी हूँ। सो अभी मैं जा रही हूँ नहाने, बिकॉज मुझे जाना है इस डॉक्टर के पास डॉक्टर विजिट के लिए, क्योंकि मुझे ना थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रही थी, ऐसे अनइजीनेस फील हो रहा था, साथ में मेरी कुछ मेडिसिंस भी ख़त्म हो गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आ जाऊँगी। प्लस मुझे अभी नेक्स्ट वीक में या आने वाले 8-10 दिनों में अपना जो एक मेजर स्कैन होता है, सोनोग्राफी स्कैन होता है, उसके लिए भी डिस्कस करना है डॉक्टर से। तो ये सारे आज बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो वहाँ जाना है मुझे। तो पहले मैं जाऊँगी, नहाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, फिर वहाँ से आने के बाद वहाँ पर क्या रहता है वो भी आपको बताऊँगी। साथ में आज की जो हमारा डे नंबर 6 है उसकी क्या टीचिंग है, लेसन ऑफ द डे क्या है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हाय गाइस, तो अभी आ चुके हैं हम, हॉस्पिटल गई थी मैं, तो वहाँ से आ गए हैं और अच्छा, मतलब वहाँ पे सब अच्छा रहा। मैं क्यों गई थी वो बता देती हूँ आपको। तो एक्चुअली मुझे वॉक वगैरह करना कर रही थी ना मैं, तो थोड़ा मुझे दिक्कत हो रही थी। क्यों दिक्कत हो रही थी, उसके कुछ रीज़न्स थे पहले से ही, जब हमने चेकअप कराया था, जो हमारा 3rd मंथ का टेस्ट होता है, उसमें थोड़ी सी कुछ चीज़ें आई थी जिसकी वजह से थोड़ा सा था। तो डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया था कि मैं रेस्ट ज़्यादा करूँ, वॉक करना, मूव करना, झुकना, ये सब चीज़ें मना की थी। तो इसी वजह से मेरे को लग रहा था कि मैं वॉक करूं कि नहीं करूं, क्या करूं, तो एक बार डॉक्टर से पूछ लेते तो ज़्यादा सही रहेगा। और कुछ मेरी मेडिसिंस भी ख़त्म हो गई थी तो वो भी लानी थी मुझे। एक्चुअली वॉमिटिंग और एक क्या बोलूं, ब्लोटिंग जैसा बहुत ज़्यादा लगता है, तो कुछ खाने में बड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता है, तो वो भी एक कंसर्न था। हालाँकि वो अभी चल ही रहा है, पूरा तो नहीं कहेंगे, हाँ थोड़ा बहुत कुछ अंतर आया है तो, बट ऐसा कुछ खाने का मन नहीं करता है। जैसे अंदर से एक होता है ना कि ये मन कर रहा है, जो मिलता है बस ऐसे ही बिना मन से ऐसे खा के ख़त्म करो, ऐसा होता है। तो उसी के लिए मैं गई थी डॉक्टर को दिखाने के लिए, और यहाँ लोकल एक जो सोनोग्राफी होती है वो कराने के लिए। अभी मेरा एक स्कैन जो है वो नेक्स्ट वीक 10 डेज़ के आसपास करा लूँगी मैं, मतलब आ चुका है, अब मैं कभी भी करा सकती हूँ। आज डॉक्टर ने मुझे रेफरेंस बना करके दे दिया है, लिख करके मतलब दे दिया है कि अगले हफ्ते कभी भी करा सकती हूँ, मंडे को भी करा सकती हूँ, या फिर पूरा हफ्ता है मेरे पास। तो उसी के लिए गई थी। तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि हाँ ऐसे कर सकते हो वॉक वगैरह, कुछ दिक्कत नहीं है, वो था। और जब मेरा सोनोग्राफी हो रहा था तो वो क्या पूरा बेबी का करते हैं ना चेकअप, तो बहुत टाइम भी लग जाता है मुझे, तो मतलब एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लग रहा था कि यार क्या है। लेकिन वो उनका तो काम है, अभी 5th मंथ रनिंग है, तो सारी चीज़ें ढंग से बेबी की देखने के लिए, तो सारा कुछ उन्होंने देख लिया डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक था। लेकिन जब डॉक्टर सोनोग्राफी कर रहे थे, मैंने तभी उनसे ऐसे पूछा था कि मैं वॉक कर सकती हूँ क्या। तो जैसे मैंने पूछा तो बेबी जो था उसका ऐसे इम्प्रेशन आया है, तो अब ये तो नहीं पता कि वो मेरी बात को रिस्पॉन्ड कर रहा था कि नहीं, बट ऐसे करके उसका एक फ़ोटो भी खींची उन्होंने सोनोग्राफी वाले उसमें। तो डॉक्टर ने बोला कि हाँ हाँ क्यों नहीं कर सकते, तुम्हारा बेबी देखो तुम्हें थम्स अप बोल रहा है कि येस यू कैन डू इट, तो करो आराम से। फिर जो वहाँ पर सिस्टर थी, डॉक्टर थे, हम लोग सब लोग हंस रहे थे, और मतलब उन्होंने फिर फ़ोटो भी ली। फिर मैंने आरफ को दिखाई, ये तो हम लोगों का इंटरप्रिटेशन हो सकता है, बट आरफ को जब मैंने देखा तो आरफ ने भी बोला कि हाँ मम्मा ये तो बेबी थम्स अप कर रहा है, इतना क्लियर था, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। तो मैं सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। सो यही है, बाहर बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, तो मैं अभी जाऊँगी, देखती हूँ अभी जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, तो अगर जाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी। एक अलग सा मौसम हो गया है, एक्चुअली कई जगह बारिश भी हो रही है ना, तो मुझे बताना आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है, ठंड कैसी पड़ रही है। यहाँ तो बिल्कुल ठंड नहीं पड़ रही है। मेरी मम्मी कॉल, मम्मी का आज बर्थडे है ना, तो हमने उनसे सुबह बात की थी, तो वहाँ पर बारिश हो रही है, उन्होंने टोपी वोपी सब लगा रखी है। तो मैं सोच रही हूँ कि यार मम्मी की तबीयत तो नहीं ख़राब होगी, क्या हो गया ये, मेरे को ध्यान ही नहीं कि वहाँ पर ठंड पड़ रही होगी। और वो उल्टा सोच रही कि ये लोग बिल्कुल ऐसे ही घूम रहे हैं यार, इनको ठंड नहीं लग रही, तो मम्मी यही बोल रही आरफ को कुछ पहनाओ, उसको ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी। मैंने कहा यहाँ पर आरफ 5 पंखा चला के सो रहा है, क्योंकि उसको बहुत गर्मी हो रही है, सोते टाइम थोड़ी ज़्यादा गर्मी होती है। और हमारा ये वाला जो रूम है ना, इसके अंदर उतना अच्छा वेंटिलेशन कह सकते हैं कि नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर आरफ को तो बहुत ही गर्मी लगती है। बट अभी थोड़ा मतलब दिन में से थोड़ा सा मौसम जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, हल्की हल्की सी हवा चली ठंडी वाली, तो शायद ये रीज़न हो सकता है कि कई जगह जो बारिश हो रही है ना, तो उसकी वजह से मौसम थोड़ा चेंज हो गया होगा। बट यस, यही अपडेट। आज की टीचिंग मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही छोटी सी टीचिंग है, तो इसीलिए व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना। और चलो अब मैं जाती हूँ, थोड़ा सा कुछ खाना पीना कुछ देखती हूँ कि क्या करूँगी, और फिर आपसे मिलती हूँ। ये कौन आ गया? ये एक्टिंग देखिए आप, इस बच्चे की एक्टिंग देखिए, ये छोटा बेबी जो है
छोटा बेबी, छोटा बेबी। ओ छोटा बेबी सो रहा है, रुको छोटा बेबी की पिच्ची करते हैं एक मिनट। हाय छोटा बेबी, ओ वाह 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 वाह। एक्टर कहीं का। अच्छा मौसम हो गया है ना। कोविड का काफ़ी ज़्यादा सीन न्यूज़ में आज मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा दिखा रहे थे, तो भाई आप लोग भी अपना ख्याल रखो, बाहर बाहर मत निकलो। और मास्क जो है ना वो N95 वाला मास्क, अगर पब्लिक प्लेस पे हॉस्पिटल्स पे कहीं जा रहे हो तो N95 मास्क जो है ना डबल या ट्रिपल लेयर में जो आता है वो लगा करके ही जाओ। नॉर्मल कॉटन वाला मास्क जो है वो आसपास ऐसे नीचे वीचे जा रहे हो तो लगा करके जाओ, बट मार्केट में अगर जा रहे हो मतलब ऐसी जगह जहाँ पर अननोन लोगों से आप मिल रहे हो तो N95 वाला मास्क लगा कर जाओ। मुझे डॉक्टर ने स्पेशली बोला तो हम लोग खरीद कर ही लाए थे। पहले था हमारे पास, इनके पास तो है बट मेरे पास नहीं था, तो फिर मेडिकल स्टोर गए थे तो वहीं से फिर हम अपने लिए भी लेकर के आ गए। तो अब मैं भी अगर हॉस्पिटल जाती हूँ, अभी जाना ही पड़ेगा मुझे, तो फिर मेरे लिए अब से ये है। तो मेरा मास्क तो आ चुका है, आप लोग के पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो ले लेना मास्क। और ख्याल रखो अननेसेसरी अभी कुछ, ये अभी होली तक तो कम से कम थोड़ा सा इस चीज़ को प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल रहा है यार हर जगह, मतलब सुनने में आ रहा है बहुत ज़्यादा। अभी वापस से वो टेंशन जो है वो वापस से आ गई, और इस बार इसकी जो इंटेंसिटी है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा सा केयरफुल रहो आप लोग, आराम से घर पे बैठ के मेरे वीडियोस देखो, काम करो, इन्जॉय करो। बाहर आने जाने की यार गेट टुगेदर्स करने की अभी ज़रूरत नहीं है, अवॉइड करो मतलब, तो अच्छा रहेगा। तो ये एक मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहती थी। तो यहाँ पर मैं किचन में आ गई हूँ, बर्तन जो धुले हुए थे उनको सूखने के लिए ऐसे फैला देती हूँ, तो सूख गए सारे बर्तन, अब उनको उनकी जगह पर रख दूँगी। और मैं कल लेकर आई थी 2 कोकोनट, तो आज फाइनली मैं इनको पी लूँगी। पता नहीं टाइम ही नहीं मिलता कुछ खाने में, एक चीज़ अगर एक गिलास दूध पी लो तो काफ़ी लंबे टाइम तक भूख ही नहीं लगती है, तो समझ नहीं आता कब क्या खाएं। हालांकि मैं फ्रूट्स बहुत खाती हूँ, मुझे फ्रूट्स खाना ज़्यादा कम्फर्टेबल लगता है। तो यहाँ पर नारियल 2 बड़े बड़े हैं, एक इनके लिए और एक मेरे लिए, दोनों मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि फिर ज़्यादा दिन रख दो तो पानी अजीब सा टेस्ट करता है, स्वीटनेस उसकी कम होती जाती है। तो यहाँ पर दोनों कांच के ग्लास मैंने निकाल लिए हैं, बट इतना इससे डबल पानी जो है वो एक एक नारियल में था, तो मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने सोचा ऐसे ही मैं निकाल लेती हूँ। और ये अभी देखिएगा क्या हुआ, यस ये मोमेंट किस किस के साथ होता है मुझे बताना। तो पता नहीं, नारियल काफ़ी भारी और बड़ा सा लग रहा था तो कंफर्टेबल नहीं था, तो मैंने ये बड़ा सा जार जो था मेरे पास, ब्लेंडर जार है, तो इसी में मैं पूरा पानी एक बार निकाल ले रही हूँ। और निकालते ही ये मेजरमेंट भी हो गया कि इसमें 500 से थोड़ा, मतलब 450 ml जितना पानी जो है वो निकला था एक नारियल में से, तो थोड़ा वेस्ट भी हो गया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कितना पानी है, तो मैंने छोटे ग्लास में निकाला तो थोड़ा पानी वेस्ट भी हो गया था, बट फिर उसके बाद मैंने इसमें निकाल लिया है। तो थोड़ा मैं पी लूँगी और बाकी दोनों ग्लास में फिल करके लेकर के जाऊँगी। तो मैं ऐसे कर रही हूँ, मैं थोड़ा ज़्यादा ही पी ले रही हूँ और इनको इतना दे दे रही हूँ तो ये यहाँ पर ये सब चोरी चकारी हो रही है लेकिन ऐसा नहीं हुआ था, वहाँ जा करके मैंने उनको अपने में से थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया था, बराबर का ही हिस्सा था, कोई चोरी वोरी नहीं थी। तो अब सबसे बेस्ट पार्ट आ जाता है कोकोनट का, पानी पीने के बाद इसको इस तरीके से, टेंडर कोकोनट होता है ना तो आप घर पे चाकू से इस तरीके से खोल सकते हो, कई बार ऐसा होता है कि ढंग से खुल ही नहीं पाता है तो पूरा वेस्ट चला जाता है। और इस तरीके से मलाई खाना बहुत ही अच्छा लगता है घर के कंफर्ट में, सफाई से मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं दोनों नारियल की जो मलाई है वो खा लूँगी। एक मिनट, ये बताओ जरा ये क्या नया बेटा है क्या? हाँ नया बेटा, दो ब्लू बैग थी वो भी नया था, बस इधर आओ इधर। चलो खेलते हैं, आपको खेल के दिखाओ कि कैसा है ये नया विकेट आया। ठीक है ठीक है, चलो बॉल दो, चलो बॉलिंग बैटिंग करके तो दिखाओ कि कैसा है ये बैट। तो बॉलिंग नहीं, बैटिंग करके दिखाओ। ओ प्रोफ, नाइस शॉट।
नहीं यार तुम कितने क्वेश्चंस फालतू के करते हो। चलो वेरी गुड, इधर तो देखो, वेल डन, नाइस शॉट। चलो अब एंजॉय करो, बाय। बाय। तो मैं छत पे आ चुकी हूँ, मौसम देखिए कितना ज़्यादा सुहाना है, कितना बढ़िया है ना। टन टन। सो नारियल फाइनली पी लिया और उसका जो कोकोनट है वो भी खा लिया, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और कौन 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 क्या कर रही हूँ मैं, और कौन कौन ऐसा करता है वो मुझे ज़रूर बताना। एंड घर पे ऐसे कोकोनट मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मम्मी के घर जब मैं गई थी तो वहाँ पर कोकोनट इतने सही आते थे ना, बहुत ही अच्छा, पानी भी ज़्यादा होता था और मलाई भी ज़्यादा होती थी। अभी भी ये वाला भी अच्छा था। और ये भी मुझे बताना कि यार सबके यहाँ कोकोनट किस किस प्राइस पे मिल रहा है, कहीं 50 का मिलता है, कहीं 60 का, कहीं 30 का भी मिलता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके एरिया में कोकोनट कितने का मिलता है। बाय द वे बहुत अच्छा हो गया, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। ओके सो गाइज, मैं आ गई हूँ अभी, और आरफ की जो गाड़ी है ना मैं उस पर बैठी हूँ, ये देखिए। मैं आप लोगों को मैसेज आज का बताती हूँ। आज है डे नंबर 6 है ना, हाँ, तो डे नंबर 6 का जो मैंने आज पढ़ा था, पढ़ लिया है। सो वो अगर मैं उसको हिंदी में एक लाइन में बताऊँ तो आपने वो सुना होगा सेंटेंस, चलती का नाम गाड़ी है। मतलब आपका जीवन जो है वो चलता ही जाएगा, आप उस पे आगे चलो या रुक जाओ वहीं पर, लेकिन जीवन जो है वो आगे चलता जाएगा। तो आप किसी भी सिचुएशन में हो आज, आप आगे ग्रो करोगे, एक ग्रैंड ग्रोथ आपकी होनी ही है। तो बेहतर है ना कि आप चीज़ों से सीखो और आगे बढ़ो, नहीं सीखोगे तो भी आगे बढ़ोगे ही, तो मतलब आगे आपको बढ़ना ही है। चीज़ जो है वो होने वाली है, वो होने वाली है, अब वो आपके हाथ में है कि आप उसका रास्ता जो है वो कैसे तय कर रहे हो, कितना जल्दी कर पा रहे हो। क्योंकि अगर आप सीखोगे तो आप चीज़ें जल्दी से समझ पाओगे, देख पाओगे, और अगर आप नहीं सीखोगे, अपने दुखों में दुखी होते रहोगे, आगे कुछ सीखना ही नहीं है अगर आपको, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है चीज़ों का, इंसिडेंट्स का कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते जाओगे। अब अगर मैं इसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझाने की कोशिश करूं, ऐसे मैं बहुत ज़्यादा कभी कभी एग्जांपल्स दे देती हूं, लेकिन मुझे लगता है ना कि हम अगर हम रियल लाइफ से उस चीज़ को कनेक्ट करते हैं ना, तो हमें हमेशा वो चीज़ जो है ना वो रिकॉल होती रहती है। टाइम टू टाइम जब कोई सिचुएशन आती है ना, तो हमारे दिमाग में वो चीज़ रिकॉल होती है। इसलिए मैं हर चीज़ को अपनी रियल लाइफ से जोड़ करके समझने की कोशिश करती हूं, और आप लोग को भी एक रियल लाइफ एग्जांपल देने की कोशिश करती हूं। तो इस चीज़ का जो रियल लाइफ एग्जांपल है ना, वो है वीडियो गेम। अब जैसे आरव की मैं बात करूं, आरव जब वीडियो गेम खेलता है तो उसमें क्या होता है कि वो एक जो उसमें क्या लेवल्स रहते हैं ना, एक लेवल पार किया, इजी लेवल वो कर लेता है, जैसे ही एक लेवल पे आके वो रुकता है और दो तीन बार हार जाता है, फिर वो कहता है कि यार अब मुझे नहीं खेलना, ये बेकार है, ये बोरिंग है। तो ये जो बच्चे का हरकत बताई ना मैंने, ये हम लोग मोस्टली ऐसा करते हैं कि लाइफ में अगर कुछ करना है, नहीं कर पा रहे, फेलियर आ रहा है या कहीं दुख आ रहा है, कोई हर्डल आ रहा है, तो हमें लगता है यार ये हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए है ही नहीं, छोड़ो नहीं करना, हम ऐसे सोचने लग जाते हैं। लेकिन हमें करना क्या है, अब वीडियो गेम में हम पीछे नहीं बढ़ सकते हैं, आगे लेवल पे अगर आ चुके हैं तो हमें आगे ही बढ़ना है, यही हमारी लाइफ है कि हमें आगे ही बढ़ना है, पीछे नहीं जा सकते, चाहे दुख आए, सुख आए, जो भी सिचुएशन आए, हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो ऐसे जैसे वीडियो गेम का जो मैंने बताया कि अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो आपने फर्स्ट लेवल, चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट लेवल हो, आपने देखा हो अगर आपने वीडियो गेम कोई भी टाइप का खेला हो, तो उसमें होता क्या है कि जब नया एनहांस एडवांस लेवल आता है तो आप पहले उसको क्रैक नहीं कर पाते हो, 5-6 कभी कभी 10 बार भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बट 11वीं बार आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हो और आपको बहुत खुशी होती है ना। तो लाइफ भी ऐसी ही है कि आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, आगे बढ़ना है, तो आपके साथ जो भी चीज़ हुई है, अच्छी या फिर बुरी, स्पेशली बुरी से हम ज़्यादा अफेक्ट होते हैं तो हम बुरी की यहाँ बात कर लेते हैं, तो उससे आपको सीख करके आगे बढ़ना है, ना कि वहीं बैठ के रोने लग जाना है कि जैसे मैंने बताया ना कि अरे यार ये हमसे नहीं हो रहा है, तो बहुत बोरिंग है, हमें नहीं करना है, हमें आगे बढ़ना है और हम दूसरा गेम खेलेंगे।
तो वो चीज़ नहीं करनी, गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए चीज़ें सीखते हुए कि जो भी चीज़ आ रही है उससे हम क्या सीख रहे हैं, अच्छा अच्छी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं ना उससे भी सीखना बहुत ज़रूरी है। तो उससे भी सीखिए, इससे भी सीखिए और लाइफ में आगे बढ़िए। कहीं पर भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, रेस्ट ले सकते हो आप। कभी दुख है, ब्रेकडाउन हो रहा है तो होने दो, थोड़ा सा चीज़ों को निकलने दो, बट आगे बढ़ने के लिए अपनी जो भी फेलियर्स हैं उनसे सीखो और आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा अपने पास रखो। बोलते हैं ना कि विल पावर अगर आपके पास है तो आप जीत जाओगे, तो जीतना है हमको, तो जीतने के लिए क्या करना है, विल पावर होना चाहिए कि भाई हम कर लेंगे और हम जैसा सोचेंगे हमको वैसा ही हमको मिलेगा एट द एंड। बीच में जैसा भी है उसे सीखते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है। तो यही है आज की टीचिंग। सो गाइज, मम्मी का बर्थडे था तो ये है ब्लूबेरी केक और एक है ये ब्राउनी का पीस और ये दो पेटीज ये हम लेकर के आए थे। तो आप लोग भी वर्चुअली इस केक को इंजॉय कीजिए क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है, और केक खाने के बाद अपनी वर्चुअल विशेस, बेस्ट विशेस ज़रूर मम्मी के लिए मेंशन कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा की टीचिंग। आई होप आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।